पहला प्रश्न है, एक समकोण होता है, विकल्प हमें मिले हैं एक रेडियन के बराबर, बी है 90 डिग्री के बराबर, सी एक डिग्री के बराबर, डी 90 रेडियन के बराबर। समकोण इस प्रकार से होता है और हम जानते हैं कि यह कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो यहां विकल्प बी सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तृतीय पाद में निम्न त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होता है। देखो ये हमारा पहला पाद हो गया, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पहले में ऑल सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं और चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। तो तृतीय पाद में कौन धनात्मक हुआ, कौन सा त्रिकोणमितीय फलन, टेन धनात्मक हुआ, अर्थात यहां विकल्प बी सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, कोसेक माइनस थीटा बराबर है। देखो माइनस थीटा कहां पे बनेगा, यहां पर बनेगा, कोण को धनात्मक इस दिशा में, ऋणात्मक इस दिशा में लेते हैं, तो माइनस थीटा यहां पर बना, यहां पर कॉस धनात्मक होगा अर्थात कोसेक तो ऋणात्मक होगा और कोसेक कोसेक में ही बदलता है, तो कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कोसेक थीटा के बराबर होगा, अर्थात यहां विकल्प डी सही विकल्प है। चौथा प्रश्न है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा स्पष्ट है कि पहले चतुर्थांश में आएगा, एन कॉट में बदलेगा और यहां पर प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन जो है वो धनात्मक होता है, मान प्लस कॉट थीटा होगा अर्थात कॉट थीटा के बराबर होगा, तो यहां हम पाते हैं कि विकल्प बी सही है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा के। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं, कॉस थीटा बराबर है माइनस एक बटा दो, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो कॉस यहां पॉजिटिव होता है, एक तो कॉस यहां पॉजिटिव होता है चौथे चतुर्थांश में, यहां पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, अब कॉस माइनस एक बटा दो है तो वो या तो यहां पर होगा और या यहां पर होगा। अब हम देखते हैं कि कॉस थीटा हमें मिला है माइनस एक बटा दो, कॉस एक बटा दो कब होता है, 60 डिग्री अर्थात पाई बाई थ्री के बराबर, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं कि ये माइनस कॉस पाई बाई थ्री के बराबर है। अब यहां पर जो मैं जानता हूं कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा होता है, अर्थात माइनस कॉस पाई बाई थ्री को मैं कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है और वो कोण कहां पर आएगा, वो कोण यहां पर आएगा। ये मान कितना हो गया, सरल करें तो 3 पाई माइनस पाई अर्थात 2 पाई बटे 3, तो कॉस 2 पाई बटे 3 अर्थात कॉस थीटा बराबर माइनस 1 बटा 2 होने पर थीटा का मान हो गया 2 पाई बाई 3। अब हम अगले छठे प्रश्न को देखते हैं, यदि n एक सम पूर्णांक है तो साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा का मान होगा। n सम पूर्णांक है अर्थात हम 2, 4, 6 इस प्रकार से मान लेंगे, तो साइन मैं n बराबर 2 ले लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस माइनस थीटा। 4 पाई से क्या अभिप्राय हुआ, एक चक्कर लग गया कोण का, दो हो गया 2 पाई, एक चक्कर पुनः लग गया तो ये हो गया 4 पाई। यदि माइनस थीटा है तो कोण यहां पर आ गया, उस स्थिति में तो माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, यदि प्लस थीटा है यहां पर तो कोण यहां पर आ जाएगा, उस स्थिति में हमें प्लस का साइन थीटा मिलेगा, और साइन 2 पाई जब यहां पर कोई आ जाता है तो साइन साइन में ही बदलता है,
अर्थात ये मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, विकल्प सी इसलिए यहां सही विकल्प है। सातवां प्रश्न है, कॉट 15 डिग्री का मान है, चार विकल्प हमें यहां इस प्रकार से मिले हैं। तो देखो कॉट 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा टेन 15 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा होता है। अब 15 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, तो ये मान कितना हो गया, एक बटा टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हम जानते हैं कि यहां टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या है, टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यह हमारा सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करें तो एक बटा ये हो गया टेन 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री बटे एक प्लस टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री, ऐसा हमें मिलता है। सरल किया इसको तो टेन 45 डिग्री एक होता है, ये मान जो है ये ऊपर चला जाएगा, इस एक से गुणा हो जाएगा। तो पहले मैं इस मान को लिख दूं, वन प्लस टेन 45 डिग्री एक है और टेन 30 डिग्री होता है एक बटा अंडर रूट तीन, ये हो गया एक बटा अंडर रूट तीन। यहां हर में रह गया टेन 45 डिग्री अर्थात एक माइनस टेन 30 डिग्री एक बटा अंडर रूट तीन, ऐसा आ गया। सरल किया इसको, अंडर रूट तीन प्लस एक बटा अंडर रूट तीन अपॉन ये हो गया अंडर रूट तीन माइनस एक बटा अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन से अंडर रूट तीन कैंसिल हो गया। इसका हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं, अर्थात अंडर रूट तीन प्लस एक से मैं इसको गुणा और भाग कर देता हूं, अंडर रूट तीन प्लस एक से गुणा कर दिया, अंडर रूट तीन प्लस एक से हमने भाग लगा दिया, अंश में क्या हो गया अंडर रूट तीन प्लस एक का होल स्क्वायर, अंडर रूट तीन प्लस एक का होल स्क्वायर यहां हो गया अंडर रूट तीन माइनस एक अंडर रूट तीन प्लस एक, अर्थात अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस एक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सूत्र का प्रयोग कर दिया, अंडर रूट तीन का स्क्वायर हो गया तीन, एक का स्क्वायर हो गया एक, टू ए बी अर्थात दो इंटू अंडर रूट तीन, इसको सरल किया तो तीन माइनस एक मान कितना आ गया, चार प्लस दो अंडर रूट तीन बटे दो, दो कॉमन ले लें यहां पे क्या बच जाएगा, दो प्लस अंडर रूट तीन बटा दो, दो से दो कैंसिल हो गया, मान आ गया दो प्लस अंडर रूट तीन। स्पष्ट है यहां पे विकल्प ए है दो प्लस अंडर रूट तीन, इसलिए यहां विकल्प ए सही विकल्प है। आठवां प्रश्न है, कॉस 15 डिग्री का मान होगा, विकल्प हमें चार इस प्रकार से मिले हैं। कॉस 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, हमने इसको लिख दिया कॉस 15 डिग्री बराबर है कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहां कॉस ए माइनस बी के सूत्र का हम प्रयोग कर लेंगे, सूत्र लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यह हमारा सूत्र है। ए हमको लेना है 45 डिग्री, बी लेना है 30 डिग्री, मान कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस 45 होता है एक बटा अंडर रूट दो, कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू प्लस किया, साइन 45 डिग्री वन बाई रूट टू
इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। लघुत्तम कितना हो गया? 2√2। यहां अंश में आ गया √3 + 1, अर्थात यहां विकल्प ए सही है। कॉस 15 डिग्री का मान √3 + 1/2 है। प्रश्न 9 है, 2 sin 5π/12 × cos π/12 का मान होगा। विकल्प हमें 4 इस प्रकार से मिले हैं। तो देखो, हमें यहां जो मान निकालना है वो निकालना है 2 sin 5π/12 × cos π/12। ये किस रूप में मिला है हमें? 2 sin A cos B, इस रूप में हमें प्रश्न मिला है। सूत्र हमारा क्या होता है? 2 sin A cos B बराबर होता है sin A + B + sin A - B। ये हमारा सूत्र होता है, 2 sin A cos B = sin A + B + sin A - B। ए हमने ले लिया 5π/12, बी ले लिया π/12। तो मान कितना हो जाएगा? ये sin 5π/12 + π/12, ये तो हो गया sin A + B + sin A - B लिखना है, तो ये हो गया 5π/12 - π/12। सरल करते हैं इसको, तो दिस इज इक्वल टू sin 6π/12 + sin, ये हो गया 4π/12, ऐसा आ गया। ये कैंसिल हो गया, π/2 बन गया, ये हो गया π/3। sin π/2 साइन 90 डिग्री, मान होता है 1 के बराबर, ये तो हो गया 1 + sin π/3, π/3 अर्थात 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो मान क्या आ गया? 1 + √3/2। अब विकल्पों में देखें तो डी विकल्प क्या है? √3/2 + 1, हमने भी यही प्राप्त किया है। चाहे हम 1 पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, मान तो 1 ही हुआ, तो इसलिए यहां विकल्प डी सही है। दिए गए त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान √3/2 + 1 है।